बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैक 2025 के बारे में, एंड आई एश्योर दैट अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते तो गाइस आप लोगों के जीपैक 2025 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीपैक 2025 के कोई भी फर्दर अपडेट्स आती तो आपको वीडियो के थ्रू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जीपैक का फुल फॉर्म देखते हैं। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी में यहाँ पे गाइस एडमिशन मिल सकता है। इसका एप्लीकेशन एग्जाम दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के थ्रू एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। प्रीवियसली जो है NTA के थ्रू कराया जाता था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन अभी जो है NBEMS के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर डेट्स की बात की जाए तो आप लोग एप्लीकेशन फरवरी में रिलीज होगा, आप लोगों का जो एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा एंड रिजल्ट अप्रैल के फोर्थ वीक में रिलीज किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। ऑल्दो अभी तक जो है ऑफिशियल अथॉरिटी ने डेट्स अनाउंस नहीं किए, जैसे डेट्स अनाउंस हो जाएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। अभी जो है ये 22 डेट्स मैंने 22 मंथ आपको बताए हैं, ऑफिशियल डेट्स आते हैं आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद गाइस आप लोगों को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को बेसिक से डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है, लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस। बट यहाँ पे ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस आप लोगों को लिंक दे दी गई है। उस लिंक में गाइस आप लोगों को जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है, प्लस आप लोगों को ऑफिशियल लिंक भी वहां पे दे दी गई है। तो उस पर जाइए, ऑफिशियल लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी पेंडिंग डिटेल्स है फिल करो, पेरेंट्स डिटेल्स फिल करो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल्स फिल करो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, और लास्ट में आपके एप्लीकेशन फी पे करना है। एप्लीकेशन फी आप लोगों की गाइस यहाँ पे 2200 रुपीज रहेगी जनरल UR मेल कैंडिडेट्स के लिए, और गाइस वुमेन्स जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो SC ST और OBC NCL के लिए यहाँ पे 1100 रुपीज एप्लीकेशन फी आपकी रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हालत में रिफंड नहीं की जाएगी, और आप लोग इसे जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। बात कीजिए कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो गाइस आपका ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी आपके है वो, स्कैन फोटोग्राफ रहेगा आपका, स्कैन सिग्नेचर, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, लिस्ट ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस आपको ये तैयार रखना होगा, देन बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको रेडी रखना होगा, वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशन फीस की। तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको रेडी रखनी है व्हाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब गाइस बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि अगर आप लोगों को जीपैक के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना होगा। अगर एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं करते तो सॉरी टू से बट यू कांट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो गाइस आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से कि आप भारतीय नागरिक है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग ने बैचुलर डिग्री इन फार्मेसी जो कि 4 ईयर्स की रहती है आफ्टर 12th वो आपने किया हुआ रहना चाहिए, और अगर आपने मीन्स बैचुलर्स डिग्री जो रहती है 4 ईयर्स की After 12, including your lateral entry students भी इसमें एलिजिबल है। अगर आपने ये किया तो आप एलिजिबल है, कोई भी एज लिमिट नहीं यहाँ पे। जीपैट में अपियरिंग कैंडिडेट अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो कैसे आप लोग एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। टोटल 125 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे। 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। पेपर आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट यहाँ पे आपको तो टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 500 मार्क्स, ठीक है। तो ये था गाइस आप लोग का एग्जाम पैटर्न। अब अगर आपको इसका सिलेबस, बुक्स एंड प्रिपरेशन टिप्स चाहिए तो गाइस वो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफी वास्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू आप जाके आप लोग डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ आई होप कि आप लोगों को जो जीपैक 2025 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी क्यूरी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।